तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ पोहे और बेसन से बनने वाली बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी सा नाश्ता। यहाँ पे मैंने पोहे को 2 बार पानी में भिगो कर अच्छे से धो लिया है और इसे मैं पानी निकाल ली हूँ। और इसको मैंने रेस्ट करने के लिए 2 मिनट तक छोड़ दिया था ताकि ये हमारा पोहा अच्छे से फूल जाए। और ये पोहा हमारा रेडी हो गया है। अब हम बाकी आगे की प्रोसेस में चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है एक पैन। पैन में लिया है मैंने 1/2 टेबल स्पून ऑयल और इसमें मैं डालूँगी 1/2 टेबल स्पून जीरा। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। जीरे को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, ज़्यादा हमें जलाना नहीं है फ्रेंड्स। तो समय हल्के आ चुका है इसे। और यहाँ पे मैंने हींग ले लिया है। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ वाइट वाले तिल, आप चाहें तो ब्लैक भी तिल यूज कर सकते हैं। मैं ले रही हूँ यहाँ पे कुटी लाल मिर्च, आप चाहें तो यहाँ पे हरी मिर्च भी ले सकते हैं। और कलर के लिए मैंने लिया है 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, इससे हमारा कलर बहुत ही अच्छा आएगा। देखिए आप, और ये हल्दी को हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे ही डालना है, नहीं तो जल जाएगा हल्दी। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 4 बड़े चम्मच 4 टेबल स्पून बेसन। और इसको हम लो फ्लेम पे 3 मिनट तक भूनेंगे। और ये देखिए कलर कितना अच्छा आया है, अब बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स। ये देखिए अब हम इसे पोहे में मिक्स कर लेंगे, आप देख सकते हैं। और यह हमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी हमारे किचन में। और इस तरह से हम ये जो हमने स्टफिंग बनाया है मिक्सर वो ऐड कर देंगे। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, 1/2 टेबल स्पून अमचूर पाउडर, आप चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, नमक। और यहाँ पे मैं कटी हुई धनिया पत्ती यूज़ कर रही हूँ, इससे हमारा फ्लेवर बहुत ही टेस्टी होगा। आप गरम मसाला और चाट मसाला भी डाल सकते हैं। इस तरह से हमें एक भी बूंद इसमें पानी ऐड नहीं करना है फ्रेंड्स, क्योंकि पानी जो पोहे में है उसी से हम इसका डोट तैयार करेंगे। अब बिल्कुल अच्छे से डोट तैयार हो जाता है ये। देखिए हमारा डो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसे अपने हाथों पर ग्रीस करके ऑयल को और इसे पापड़ी का शेप देंगे। आप किसी भी शेप में इसको बना सकते हैं, मैं यहाँ पे पापड़ी बना रही हूँ पापड़ी के शेप में। इस तरह से हम इसको फ्लैट करके ये देखिए आप बना सकते हैं। सारे पापड़ी को मैं इसी तरह से फ्लैट करते हुए बना लूंगी। और ये बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी और हेल्दी भी बनता है फ्रेंड्स, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए हमारे सारे पापड़ी बनके तैयार हो गए हैं। अब हमने ऑयल को गर्म कर लिया है, इसे हमें हाई फ्लेम पे नहीं फ्राई करना है फ्रेंड्स, हमें लो फ्लेम पे ही इसे पकाना है, नहीं तो हमारा अंदर से कच्चा रह जाएगा। इस तरह से हमें फ्राई कर लेना है सारे पापड़ी को मीडियम टू लो फ्लेम पे। इस तरह से हम लो फ्लेम पे इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे फ्राई करना है और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। आप इसको चाहें तो 1 सप्ताह के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं, सफ़र में भी ले जा सकते हैं। देखिए हमारे पापड़ी बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने लग गया है। इस तरह से हम इसको पलटते हुए फ्राई कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह से हम सारे पापड़ी को फ्राई कर लेंगे। और ये अभी होली स्पेशल में भी बना सकते हैं, आप होली पे भी बना सकते हैं इसको। और ये देखिए हमारे सारे पापड़ बन के रेडी हो गए हैं। आप इसको टाइट कंटेनर में आप इसको प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।